वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए फाइनल ईयर वालों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1740 से 1947 ईस्वी, जिसका कोड आपका A415 है। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था, स्वतंत्रता का वृक्ष किस शासक द्वारा लगवाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी टीपू सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 1845 से 46 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा सिंध का विलय कब हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी लॉर्ड एलन बेरो के समय में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह कथन किसका है। तो यह कथन रामप्रसाद बिस्मिल का है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए R.C. दत्त इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने ICS की नौकरी किस वर्ष छोड़ी थी। यहाँ पर ऑप्शन डी 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को कितनी बार ग्रहण किया था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 3। नेक्स्ट है, ठगी प्रथा का संबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इलाहाबाद की संधि कब हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 1765 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1893 में। नेक्स्ट है, यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के कारण भारत में कौन सा युद्ध शुरू हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी प्रथम कर्नाटक युद्ध इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्डीवास का युद्ध किस किसके बीच लड़ा गया था। तो यह अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस तारीख को समाप्त हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 23 जून 1757 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन ने कृषि विभाग की स्थापना कब की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 1905 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1905 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के उद्धारक की संज्ञा किस वायसराय को दी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रबुद्ध भारत समाचार पत्र किसने निकाला था। तो यह विवेकानंद ने निकाला था। नेक्स्ट है, गांधी जी रचित पुस्तक हिंद स्वराज किस लिपि में लिखी गई है। तो यह गुजराती लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत में आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 1946 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी। तो यह 1782 में हुई थी। नेक्स्ट है, हैदर अली ने कहाँ एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए डिंडीगुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ था। तो यह कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यह 1915 में हुई थी। नेक्स्ट है, युगदूत की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी थी। तो यह उन्हें अकबर द्वितीय ने दी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्टाग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 1929 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हंटर शिक्षा आयोग कब गठित किया गया था। तो यह 1882 में गठित किया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1905 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसने निकाला। यहाँ पर ऑप्शन बी एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 1765 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 1773 ईस्वी।
तो यहाँ पर 1773 के जो चार्टर एक्ट था उसके तहत कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रिका समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो यहाँ पर भी इसके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो जो भी यहाँ पर क्वेश्चन गलत होते हैं उनके आपको पूरे अंक मिल जाते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, डंकन ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना कहाँ करवाई थी? यहाँ पर ऑप्शन बी बनारस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में वाराणसी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन ए बम्बई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन डी 1825 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, समाजवाद ही क्यों पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन का उद्देश्य था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए प्रेस की स्वतंत्रता राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित है? तो यह शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसने कहा है मोरले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया? तो यहाँ पर ऑप्शन ए महात्मा गांधी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन का संबंध है? तो यह भगत जवाहरमल से है, जिन्होंने 1840 ईस्वी में इस आंदोलन का आरंभ किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किस वायसराय के काल में डूरंड रेखा खींची गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन बी लॉर्ड लैंसडाउन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या चाकू मारकर की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुलिस आयोग का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर इसके सभी जो ऑप्शन हैं वे गलत दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977। नेक्स्ट है, लॉर्ड हॉर्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में। नेक्स्ट है, अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष लगाया था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए 1940 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में किस वर्ष लगाया था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए 1947 18 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर इसका कोई भी सही आंसर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबला हाली प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो यह गुजरात में प्रचलित थी, जो कि सूरत में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन डी विनायक दामोदर सावरकर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सेवर्स की संधि का संबंध है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए ब्रिटेन व तुर्की से राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार पर हमला किस वर्ष किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा भारत में कौन सी भूधृति पद्धति अपनाई गई? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बंगाल हेराल्ड अखबार किसने शुरू किया? यहाँ पर ऑप्शन ए जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन डी रास बिहारी बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए एस ए डांगे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गांधी और अराजकता पुस्तक के लेखक है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए शंकरण नायर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किसने इस्तीफा नहीं दिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन बी अजमल खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर तीन जो दिए गए हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सुपरमैन पुस्तक की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन सी अरविंद घोष राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शिमला सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? यहाँ पर ऑप्शन ए 22 प्रतिनिधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस तारीख को लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए 16 अगस्त राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह लंदन में हुई थी। नेक्स्ट है, एज ऑफ कंजेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो यह 1891 में हुआ था। नेक्स्ट है, परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दादोबा पांडुरंग राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इंडियन मुसलमान संबंधित है? तो यह विलियम हंटर से संबंधित है। नेक्स्ट है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब हुई? तो यह 1819 में हुई। नेक्स्ट है, इंडियन लेबर फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1941 में हुई थी। नेक्स्ट है, फकीर आंदोलन किस प्रांत में हुआ था?
सकते हैं बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन पैक्ट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो यह दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत एक नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है, यह मोहम्मद अली जिन्ना का है। नेक्स्ट है, किस तिथि को भारत आज़ाद हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन ए 15 अगस्त राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बंगाल में तिलक का सेनापति किसे कहा जाता था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए विपिन चंद्र पाल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया, तो यहाँ पर ऑप्शन बी द्वितीय राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका कथन है, यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही काल क्रम क्या है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी किसे कहा गया था, तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक किस वर्ष लिखी गई, तो यहाँ पर ऑप्शन ए 1873 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ हुई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बंगाल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1863 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करम शाह राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो यह 1855 में हुआ था। नेक्स्ट है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी वी डी सावरकर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अखिल मजदूर संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए लाला लाजपत राय राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो यहाँ पर ऑप्शन सी पंडिता रामाबाई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिंग फैंस का संबंध है, तो इसका संबंध वॉरेन हेस्टिंग्स से है। नेक्स्ट है, वॉन डिवास का युद्ध कब हुआ था, तो यह 1760 में हुआ था। नेक्स्ट है, 1916 में गांधी जी को नील के किसानों की पीड़ा निवारण हेतु आमंत्रित करने वाला व्यक्ति कौन था, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था, तो यह दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट है, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था, यहाँ पर ऑप्शन सी मिर्जा गुलाम अहमद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीक्रेट डॉक्ट्रिन पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए HP ब्लावत्स्की इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए चतुर्थ राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर के मैंने आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर बता दिए हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।